डियर स्टूडेंट्स हैव ए गुड डे। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली जयपुर में कार्यरत हूँ। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, अपने पिछले लेक्चर में भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों के बारे में बताया। इसी क्रम में आज हम मोहम्मद गौरी के भारत पर होने वाले आक्रमणों का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अथवा मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण 1175 ईस्वी में प्रारंभ हुए और यह 1205 ईस्वी तक चले। मोहम्मद गौरी पूर्वी ईरान से आकर गौर प्रदेश में बस गया था। 1173 ईस्वी में वह गजनी के सिंहासन पर बैठा। 1175 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। भारत पर उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था भारत पर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करना। जहां महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करके केवल लूट मार करके वापस लौट गया, वहीं मोहम्मद गौरी भारत में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित करना चाहता था। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में उसका प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। इसके बाद 1178 ईस्वी में उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का तत्कालीन राजा भीम द्वितीय था। मोहम्मद गौरी उसके हाथों पराजित हुआ। लगभग इन्हीं इसी अवधि में, या लगभग कह सकते हैं इसी समय, अजमेर और सांभर के चौहान वंशीय साम्राज्य की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी पर बैठा, जिसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छा घुड़सवार और एक अच्छा धनुर्धर था। मोहम्मद गौरी द्वारा पंजाब को जीत लेने के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमाएं आपस में मिलने लगी। दोनों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण यही बना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के दो युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। हमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होने वाले तराइन के युद्धों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। आप नोट करिए, ये स्रोत हैं। नंबर 1, हसन निजामी द्वारा लिखित ग्रंथ ताजुल मासिर, एवं दूसरा ग्रंथ है मिनहाज उस सिराज द्वारा लिखित तबकात ए नासिरी, एवं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले चारण कवि चंदर वरदाई द्वारा लिखित लिंगल भाषा का ग्रंथ पृथ्वीराज रासो। हमें इन ग्रंथों से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होने वाले तराइन के युद्धों का पता चलता है। यह युद्ध तबर हिंद जो कि बठिंडा के निकट है, नामक स्थान पर हुआ। 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय जब हुई तो वो वापस लौट गया, जबकि पृथ्वीराज चौहान का प्रभाव, उसकी सत्ता काफ़ी बढ़ गई। भारत में
पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी चुप नहीं बैठा। उसने अपनी शक्ति बढ़ाई और एक वर्ष बाद ही वो भारत आया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः तराइन के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान से युद्ध लड़ा। यह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। हमें प्राप्त स्रोतों से यह पता चलता है कि द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिया गया। तारागढ़ दुर्ग से प्राप्त पृथ्वीराज चौहान के 1193 ईस्वी के एक सिक्के से ये पता चलता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर रखा, किंतु एक वर्ष बाद उसका वध कर दिया। यद्यपि इस बारे में हमें कोई प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः अपने शत्रु को अपने लिए खतरा मानते हुए मोहम्मद गौरी ने उसका वध कर दिया होगा। मोहम्मद गौरी की भारत पर इस विजय से राजपूतों की शक्ति को भारी आघात लगा। पृथ्वीराज चौहान, जो भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा था, राजपूतों का यह स्वप्न उसकी मृत्यु के बाद, उसकी पराजय के बाद भंग हो गया। आगे चलकर मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में कन्नौज वंश के राजा, गहड़वाल वंश का राजा था जयचंद, उसको भी पराजित कर दिया। जयचंद के विषय में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उसका प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था और ऐसा माना जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए उकसाया था या प्रेरित किया था। जयचंद यह भूल गया कि मोहम्मद गौरी एक विदेशी आक्रांता है एवं भारत पर अगर उसका साम्राज्य स्थापित हो गया तो अन्य राजपूत शक्तियों को उससे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद, उसकी पराजय के बाद मोहम्मद गौरी की शक्ति बढ़ गई और एक वर्ष बाद ही 1194 ईस्वी में उसने गैड़वाल वंश के राजा जयचंद को चंदवार के युद्ध में पराजित कर दिया। जयचंद हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था। तीर लगने के कारण वो घायल हो गया और हाथी से नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस पराजय के बाद राजपूतों की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। मोहम्मद गौरी ने एक एक करके उत्तरी भारत के बहुत से राज्यों को जीत लिया। उसका भारत पर अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में हुआ। भारत से लौटते हुए उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित खोखरों को पराजित किया। वो लौटकर गजनी जा रहा था, किंतु मार्ग में ही 1205 ईस्वी में खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गौरी पुत्र विहीन था, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यही कारण है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका समस्त साम्राज्य और भारत में जीता हुआ उसका साम्राज्य उसके दासों में बट गया। उसका एक प्रमुख दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर पर अधिकार करके शासन करना प्रारंभ किया, किंतु लाहौर में उसके विरुद्ध विद्रोह हो गया। तब वो दिल्ली आ गया और उसने दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर शासन करना प्रारंभ किया, इसलिए उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को
भारत में दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। प्रिय छात्रों, मैं अपने अगले व्याख्यान में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत के विषय में बतलाऊंगी। धन्यवाद।